हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी छोर पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, जिसके बारे में आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा ही होगा। इसी द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब बदल दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम कैसे पोर्ट ब्लेयर रखा गया और क्यों? चलिए आज आपको इसके पीछे की कहानी, इस द्वीप समूह की कहानी भी बताते हैं। आजादी से बहुत पहले से ही पोर्ट ब्लेयर फेमस है। अपने सेल्युलर जेल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेल कहा जाता है। इस जेल को पहले काला पानी की सजा के तौर पर जाना जाता था। ये जेल पोर्ट ब्लेयर शहर में अटलांटा पॉइंट पर स्थित है। ये 3 मंजिला जेल है, जिसे साल 1906 में अंग्रेजों ने बनवाया था। यहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। बुटुकेश्वर दत्त, बाबा राव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और दीवान सिंह को भी इसी जेल में बंद करके रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर नगर का नामकरण लेफ्टिनेंट आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर किया गया था, जिन्होंने साल 1789 में इस इलाके का सर्वे किया था। यही कारण था कि उनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नाम रखा गया। आर्किबाल्ड का जन्म 1752 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1815 में हुई थी। आर्किबाल्ड ब्लेयर ने साल 1771 में मुंबई मरीन ज्वाइन की थी। वे यहाँ लेफ्टिनेंट थे। उनके पिता रेव आर्किबाल्ड ब्लेयर स्कॉटलैंड सरकार में मंत्री थे। पोर्ट ब्लेयर में एक आरा मिल भी है, जिसे एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आरा मिलों में से एक माना जाता है। इसे चाथम आरा मिल के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए इस मिल की स्थापना साल 1883 में की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में जापानी सेना ने पोर्ट ब्लेयर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने सेल्युलर जेल में बंद कई कैदियों को रिहा भी कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने जेलों में बंद कैदियों के परिवारों को भी उठा लिया और उन्हें प्रताड़ित कर जेल में डाल दिया। यही वजह है कि जापानी सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों से ज्यादा बेरहम माना जाता है। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान गए थे, जहाँ जापानी नौसेना के एडमिरल इशिकावा ने उनका स्वागत किया था। फिर अगले दिन वह पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और वहां पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही सेल्युलर जेल का भी दौरा किया। हालांकि उन्हें जानबूझकर जापानी अफसर उस जगह पर नहीं ले गए जहां भारतीयों को कैद करके रखा गया था और उन पे यातनाएं की जा रही थी। पोर्ट ब्लेयर शहर एक समय फिशिंग का भी हब हुआ करता था। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की उपनिवेश बनाने में बड़ी मदद करने वाले अंग्रेज नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर इस द्वीप का नाम रख दिया गया। दरअसल अंग्रेजों ने इसका नाम इसलिए भी अधिकारी के नाम पर रखा क्योंकि उपनिवेशक शासन के लिहाज से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत जरूरी था। यहाँ से सुदूर इलाकों पर नजर रखना आसान था। अंडमान और निकोबार को विकसित करने में ब्लेयर ने बहुत ज्यादा या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्वी बंगाल की खाड़ी में डोमिनेंस जमाने के लिए पोर्ट ब्लेयर को कब्जे में लेना अंग्रेजों के लिए बेहद जरूरी था। इसके अलावा यहाँ से प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियां भी चलाई जाती थी। सभी द्वीपों पर अपना अधिकार जमाने के लिए पोर्ट ब्लेयर ही जरूरी था। कुछ समय में ही ब्लेयर के नेतृत्व में इस द्वीप समूह का कायाकल्प किया गया और इसे ब्रिटिश मैरिटाइम नेटवर्क का केंद्र भी बना दिया गया। इस फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने अपने आज पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है।
बता दें कि देश की मोदी सरकार लगातार अंडमान निकोबर के द्वीपों के नाम बदल रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने रॉस आइलैंड का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर किया था। वहीं इसके अलावा नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हेलबोक आइलैंड को स्वराज द्वीप का नाम देने का भी फैसला सुनाया गया। और इसी के बाद अब वापस से पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल दिया गया है, जो कि अंडमान और निकोबर की राजधानी है।